मंच पे मेरे साथ सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय जीवीएल राव जी भी मौजूद हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत तीखे सवाल श्री राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी पूछने वाली है। कल एक कोर्ट के वर्डिक्ट के आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट पे भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं उठाती है और ना ही उस पर टिप्पणी करती है। भारत के न्याय प्रणाली पर संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। उसके पश्चात हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पर उठाए थे और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर जैसे शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी से तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी से क्षमा याचना करने की मांग की थी। वी हैड डिमांडेड द अपॉलॉजी फ्रॉम मिस्टर राहुल गांधी, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड वी हैड डिमांडेड एन अपॉलॉजी फ्रॉम मिसेस सोनिया गांधी, हु वॉज द देन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, फॉर हैविंग कॉइन्ड द टर्म सैफरन टेररिज्म और हिंदू आतंकवाद। टूडे वेन वी वेंट टू द न्यूज पेपर्स इन द मॉर्निंग, कुछ महत्वपूर्ण बातें न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें मालूम पड़ा, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा। मैं उन्हें कोट करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस पे क्या रिएक्शन दिया है। ऑल इन, मैं न्यूज़पेपर से ही कोट कर रहा हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी स्पोक्सपर्सन पीएल पुनिया सेड, कोट, शो मी अ वीडियो और अ साउंड क्लिप वेयर राहुल गांधी और एनी अदर कांग्रेस फंक्शनरी इज सीन यूजिंग द टर्म भगवा आतंकवाद और सैफरन टेरर। देयर इज नो सच थिंग एज सैफरन टेरर। पुनिया जी ने हमें कहा कि हम सबूत प्रस्तुत करें उनके सामने कि राहुल गांधी जी ने कभी भी इस प्रकार के विचार को आगे बढ़ाया है जो हिंदुओं के खिलाफ हो, या फिर उनके किसी कद्दावर नेता ने इस प्रकार के फ्रेज, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि हिंदू आतंकवाद या सैफरन टेरर। हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। जनता की अदालत में हम आज सबूत प्रस्तुत करेंगे। दूसरे कांग्रेस के लीडर ने क्या कहा है उसको भी मैं अभी उद्धृत जो किया गया है अखबारों में उससे आपको बता दूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड सीनियर कांग्रेसमैन गुलाम नबी आजाद क्वेश्चन द फंक्शनिंग ऑफ एनआईए, कोट, इफ एक्विटल इज हैपनिंग इन ईच केस सिंस द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन फोर इयर्स, पीपल आर लूजिंग फेथ इन एजेंसीज। गुलाम नबी जी के भी प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। पहला, सबूत प्रस्तुत करने का काम आरंभ किया जाता है और सबसे प्रथम सबूत जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस एंड दिस परटेन्स टू नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मिस्टर राहुल गांधी। यह जो प्रथम सबूत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, यह सबूत राहुल गांधी जी को लेकर है और यह दिखाता है कि किस प्रकार राहुल गांधी जी के मन में, राहुल गांधी जी की सोच हिंदुओं के विरुद्ध है। कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति घृणा की भावना राहुल गांधी जी के मन में है। यह हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कल विकीलीक्स के बारे में हमने फौरी तौर से बताया था और जिक्र किया था। आज भारतीय जनता पार्टी वह केबल प्रस्तुत करती है, वह टेलीग्राम आपके सामने, पूरे पन्नों का टेलीग्राम, जितने भी पन्ने इसमें हैं जो टेलीग्राम भेजा गया था वो प्रस्तुत करते हैं। क्या था उस टेलीग्राम के अंदर, किसने ये टेलीग्राम भेजा, किसको ये टेलीग्राम भेजा, किस दिन ये टेलीग्राम भेजा गया, उस टेलीग्राम में राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, यह सब आपके सामने रखते हैं। यह टेलीग्राम 2009 3 अगस्त को भेजा गया है, सोमवार का दिन था। यह टेलीग्राम भेजा गया उस समय के तत्कालीन यूएस एम्बेसडर जो भारतवर्ष में थे, टिमोथी रोमे, और टिमोथी रोमे जो कि एम्बेसडर थे उस समय यूएस के, उनका हस्ताक्षर भी, अर्थात ही हैज साइंड ऑफ दिस टेलीग्राम एट द एंड। किसे भेजा गया, कॉन्फिडेंशियल हेड के नाते कॉन्फिडेंशियल बताया गया, और यह टेलीग्राम भेजा गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को। और इनमें क्या लिखा गया आप देख सकते हैं कि यह क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। पहला तो आप इसका पहला पन्ना देखिए जिसमें लिखा गया है,
reaching out to Rahul Gandhi and other young parliamentarians. Kis prakar se US ambassador kehte hain ki hum Rahul Gandhi ji aur baki young parliamentarians ke saath interaction kar rahe hain aur uske karan jo bhi uska labbo lubab aur summary nikla hai wo ek confidential document ke madhyam se hum US bhej rahe hain. Patkatha pehle likha jata hai, US ambassador pehle likhte hain ki aakhirkar ye meeting hui kaise aur is meeting se nichod kya nikla. AMB Timothy J. Romer, in a classified document, reasons 1C, summary. In a candid conversation with the ambassador during July 20th lunch, hosted by Prime Minister Singh for secretary, Indian Congress Party General Secretary Rahul Gandhi described his focus on upcoming state and local elections. Aage wo batate hain, main bahut kam kam portion iska padhunga aur main hisse pe aa jaunga. During the secretary's July 20th meeting in New Delhi, Prime Minister Manmohan Singh hosted a lunch in honor of the Secretary of United States. Among the invitees was Indian Congress Party General Secretary Rahul Gandhi, as well as other prominent figures from politics, business and civil society. Mr. Rahul Gandhi was seated immediately next to the ambassador. Jahan ambassador baithe the, theek unke bagal mein Rahul Gandhi baithe. Ab, हम आते हैं पैराग्राफ 5C की तरफ. पैराग्राफ 5C में इसी टेलीग्राम में एम्बेसडर क्या कहते हैं ये आपको सुनना चाहिए. रेस्पॉन्डिंग टू द एम्बेसडर्स क्वेरी अबाउट लश्करे तैयबाज एक्टिविटी इन द रीजन एंड इमीडिएट थ्रेट टू इंडिया, एम्बेसडर ने राहुल गांधी जी से पूछा कि लश्करे तैयबा अर्थात एलईटी जो आतंकी संगठन है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं. Gandhi said, there was evidence of some support for the group among certain elements in India's indigenous Muslim community. However, Rahul Gandhi warned the bigger threat may be the growth of radicalized Hindu groups which create religious tensions and political confrontations within the with the Muslim community. Rahul Gandhi ji ne kaha, jab unse pucha gaya Timothy ji se, यूएस एम्बेसडर से, कि आप एलईटी के बारे में क्या सोचते हैं, तो राहुल गांधी जी ने कहा हाँ हाँ एलईटी तो है और थोड़ा बहुत सपोर्ट इंडिया में एलईटी के लिए हो सकता है, मगर एलईटी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. ज्यादा बड़ा वार्निंग कहीं से है तो वो रेडिकलाइज्ड हिंदू ग्रुप से है, और केवल हिंदू ग्रुप्स ही नहीं, वो ऐसे रेडिकलाइज्ड हिंदू ग्रुप्स जो बता रहे हैं जो एक रिलीजियस टेंशन और लड़ाई करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा परेशान करके हिंदू रखते हैं. द रिस्क ऑफ अ होम ग्रोन एक्सट्रीमिस्ट फ्रंट, राहुल गांधी कंटिन्यू कर रहे हैं और एम्बेसडर लिख रहे हैं अपने टेलीग्राम में, द रिस्क ऑफ अ होम ग्रोन एक्सट्रीमिस्ट फ्रंट रिएक्टिंग टू टेरर अटैक्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इस्लामिस्ट ग्रुप्स इन इंडिया वॉज अ ग्रोइंग कंसर्न एंड वन दैट डिमांडेड कॉन्स्टेंट अटेंशन. एक ही सांस में राहुल गांधी जी ने एलईटी के साथ, उनसे पूछा नहीं गया था कि बाकी आपको खतरा किससे है, मगर जब एलईटी के बारे में पूछा गया तो पहला जवाब जो राहुल गांधी जी का था वो यह था कि होम ग्रोन हिंदू जो हैं ये जिस प्रकार की आतंकी संगठन बना रहे हैं इससे देश को ज्यादा बड़ा खतरा है, और हां थोड़ी बहुत चिंता एलईटी के लिए कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है. आप जरा सोच के देखिए बंधु, राहुल गांधी जी क्या कहते. और इसी 5C पैराग्राफ में आपको यह दस्तावेज जब मिलेगा आप देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कमेंट के रूप में टिमोथी जो एम्बेसडर है वो कहते हैं, गांधी वॉज रेफरिंग टू टेंशन्स क्रिएटेड बाय सम ऑफ द मोर पोलराइजिंग फिगर्स इन बीजेपी सच एज गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ये यूएस के एम्बेसडर कह रहे हैं. कितना दुख का विषय है बंधुओं, आप ये तारीख याद करिए किस दिन ये डिस्कशन हो रहा है. मैं आपको याद दिला दूं, 20 जुलाई 2009 को ये डिस्कशन हो रहा है. आप जानते हैं 26 ग्यारह 2008 को क्या हुआ था. 26 ग्यारह 2008 जिसको हम 26/11 के नाम से जानते हैं, उस दिन भारत के सरजमीन पर इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पर जिस प्रकार की हमला एलईटी के द्वारा किया गया था वो जघन्य था, नृशंस था.
कितने हिंदुस्तानियों को मार गिराया गया, और उसके ठीक एक साल बाद राहुल गांधी जी का ये कहना कि एलिटी खतरा नहीं है, हिंदू खतरे हैं, हिंदू जो आतंकवाद पैदा कर रहे हैं वो खतरा है और नरेंद्र मोदी खतरा है, कहीं ना कहीं अगर किसी को ऑक्सीजन दे रहा है तो वो पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। और यह सब मैं नहीं बोल रहा हूं, यूएस एम्बेसडर बोल रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूएस एम्बेसडर इसी के प्रीसीडिंग पैराग्राफ 4C में एक बड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं। राहुल जी से बात करने के बाद वो ऑब्जर्व करते हैं, दिस कन्वर्सेशन टुक प्लेस बिफोर द फुल स्कोप ऑफ अपोजिशन टू द जुलाई 16 इंडो पाकिस्तानी ज्वाइंट स्टेटमेंट इन शर्मल शेख हैड बिकम अपेरेंट। शर्मल शेख में जाके पाकिस्तान को एक लीवे देना, शर्मल शेख में जाके पाकिस्तान के लिए एक हथियार मुहैया करा देना, प्रोवाइडिंग अम्यूनिशन टू पाकिस्तान इन शर्मल शेख एंड देन डिमीनिंग 26/11 अटैक ऑफ मुंबई इमीडिएटली वन ईयर आफ्टर 26/11 कमिंग आउट एंड स्पीकिंग अगेंस्ट द हिंदूज एंड गिविंग अ एस्केप रूट टू एलईटी सेइंग दैट एलईटी प्रोबेबली इज नॉट अ बिगर थ्रेट इज द हिंदूज। मिस्टर पीएल पुनिया साहब, आपका हम सम्मान करते हैं, मैंने आपने कहा राहुल गांधी या किसी और बड़े लीडर ने, हमने सर्वोच्च लीडर का सबूत आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप इस पर जवाब दें। एक बात और बताना चाहूंगा इसमें कि मिस्टर राहुल गांधी इज नॉट एन अनइंपॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग दैट पीरियड, द पीरियड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। This dinner was an extremely important dinner. The 20th July 2009 dinner was an extremely important dinner, a solemn occasion in which Mr. Rahul Gandhi was seated besides the US ambassador. He was having a candid conversation, a very serious conversation with the US ambassador. And remember, this is not a casual conversation. This is an extremely important conversation because the US ambassador draws inferences and sends a summary to his nation, to his country, that this is what is the thought process of India. So Mr. Rahul Gandhi cannot say or pass the buck by saying that this was just a passing statement. It was a very serious conversation. And that time, though he may have been the general secretary of the Congress party, but nonetheless, since he is born in the Gandhi family, he was by default the most important number two person, I would say, in the Congress party. Whatever he was speaking with authority. His words had meaning. His word had a mass. Unke shabdon mein gambhirta thi. Unke shabdon mein gabhirta thi. Rahul Gandhi koi sadharan vyakti us samay bhi nahi the. Wo Congress ke number do the. Party unke kehne par chalti thi. Bandhuo, jis laskare tayabba ko Rahul Gandhi ji ne apne is telegram ke madhyam se jo hume malum pada, कि कहीं ना कहीं एक लेसर थ्रेट बनाने की कोशिश की, उस लश्करे तैयबा के बारे में क्या बोला जाता है? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1987 बाय हाफिज सईद, अब्दुल्लाह अजाम एंड जफर इकबाल इन अफगानिस्तान विद द फंडिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन के पैसा से बना हाफिज सईद जिसको चला रहा है वो एलईटी आपको कम खतरनाक लगता है? आपको ज्यादा डर निरीह हिंदुओं से लगता है? आपको लगता है कि इस देश को हिंदू समाप्त कर देंगे और आपको लगता है कि हाफिज सईद इस देश को किसी प्रकार से आक्रमण नहीं कर रहा है? लश्करे तैयबा हैज बीन अक्यूज्ड बाय इंडिया ऑफ अटैकिंग मिलिट्री एंड सिविलियन टारगेट्स इन इंडिया, मोस्ट नोटेबली द 2001 पार्लियामेंट अटैक एंड द 2008 मुंबई अटैक। Its stated objective is to introduce an Islamic state in South Asia and to liberate Muslims residing in Indian Kashmir. बहुत सारे देशों में एलईटी बैन है। आप उस एलईटी को जो लीवे प्रोवाइड कर रहे थे, उसे जो आप कवर फायर दे रहे थे, मुझे लगता है राहुल जी आज आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। कुछ और सबूत प्रस्तुत करेंगे। गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि ये एनआईए इत्यादि जो है ये सस्पिशन के घेरे में आ गए हैं। कल भी हमने कहा था जब 2G का वर्डिक्ट आता है तो उस समय तो आप बड़े जोर जोर से स्वागत करते हैं, मगर अब जो है कोई वर्डिक्ट आता है तो आप कोर्ट पे सवाल खड़े करते हैं। कल मैंने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा कि शिवराज पाटिल जी से यह सवाल पूछा गया कि आप सैफरन टेरर कॉइन कर रहे थे, तो शिवराज जी ने कहा मैंने नहीं किया। तो किसी एंकर ने पूछा तो चिदम्बरम से जाके पूछो ना, ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए मगर एग्जैक्ट शब्द उनका था कि चिदम्बरम से जाके पूछो।
जब लिंगायत के विषय में 2013 की एक चिट्ठी सामने आती है कि उस समय किस प्रकार से अलग धर्म देने के लिए यूपीए की सरकार ने मना कर दिया था, सुशील कुमार सिंधे जी को जब इंटरव्यू किया गया तो सुशील कुमार सिंधे जी कहते हैं चिदंबरम जी से जाके पूछिए ना, मैं क्या करूं, चिदंबरम जी ने साइन किया था। अरे भैया, हम ये पूछना चाहते हैं, चिदंबरम जी क्या कांग्रेस पार्टी से बाहर है? अगर सब लोग सोचते हैं कि उत्तर सारे चिदंबरम जी के पास हैं, एफिडेविट भी सारा भगवा आतंकवाद का शब्द गठन करने का काम चिदंबरम जी ने 2010 में किया, उसके बाद सारे एफिडेविट चेंज करने का काम चिदंबरम जी ने किया, सारा कुछ उत्तर अगर चिदंबरम जी के पास है तो चिदंबरम जी निकलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर क्यों नहीं देते हैं? ये मूल सवाल है। आज हम चिदंबरम जी को चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी जी एंड चिदंबरम जी शुड कलेक्टिवली होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड शुड डिबंक इफ दे फील दैट व्हाट द भारतीय जनता पार्टी हैज स्टेटेड फ्रॉम दिस हाई पोजिशन ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस टूडे इज रॉन्ग इन एनी वे, दे शुड कम आउट एंड स्पीक। और आपने सबूत मांगे थे पीएल पुनिया साहब और गुलाम नबी जी, एक वीडियो के माध्यम से वो तमाम सबूत, आपने कहा था राहुल गांधी जी की मनसा या एनी अदर कांग्रेस फंक्शनरी इज सीन यूजिंग द टर्म भगवा आतंकवाद, हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे। और मैं पुनिया जी से कहूंगा कि पुनिया जी, इसके बाद जिसके कहने पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आदरणीय राहुल गांधी जी, आप उनसे क्षमा याचना करवाएं। आपके बड़े नेताओं ने सैफरन टेरर शब्द इस्तेमाल किया कि नहीं, अभी हम आपको दिखाएंगे। इसमें जो भी मीडिया का लोगो है हमने उसको ब्लर कर दिया है, क्योंकि हमारे लिए हर मीडिया हाउस बराबर है, हर कोई फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसलिए सबको मान रखते हुए हमने कोई लोगो नहीं दिखाया है। धन्यवाद। अगर रितेश जी आप चालू कर सके तो। बंधुओं, आपने देखा सोनिया जी की आंसू फूट पड़ी, सोनिया जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा फौरन जाओ और वजीर आजम से बात करो। ये क्या हमने बोला है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला है? ये सलमान खुर्शीद जी ने बोला है। सलमान खुर्शीद जी, आप बाहर निकल के माफी मांगे। ये जो भगवा आतंकवाद का शब्द प्रयोग किया गया, आरएसएस ट्रेनिंग कैंप चला रही है, ये क्या हमने बोला है? ये शब्द हमने लिख के दिए थे? किसने बोला है? सुशील कुमार सिंधे जी ने संघ के ऊपर, भाजपा के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया है, भारतीय जनता पार्टी वांट्स एन अपॉलॉजी फ्रॉम मिस्टर सुशील कुमार सिंधे। आपको आज छुपने का मौका भारत की जनता नहीं देगी, आपको बाहर निकलकर माफी मांगना पड़ेगा। अभी चिदंबरम साहब ने एक पुलिस के कार्यक्रम में जिस प्रकार से सैफरन टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया, आपने देखा है, मीडिया ने चलाया है, सबूत हमने प्रस्तुत किए हैं। चिदंबरम साहब छुप के नहीं रह सकते हैं, बाहर निकलकर माफी मांगनी पड़ेगी। और यह जो हमने अभी आपको यूएस के एम्बेसडर का टेलीग्राम दिखाया है, राहुल गांधी जी, आपको बाहर निकलकर माफी मांगना पड़ेगा। डोंट टेक द हिंदूज फॉर ग्रांटेड।
आप हिंदू को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, उनको सेक्युलरिज्म के नाम पे, हम सेक्युलरिज्म का बहुत सम्मान करते हैं, जस्टिस फॉर ऑल अपीजमेंट ऑफ नन, सबको न्याय मिले, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये भारत के चार पहिए हैं जिसके बिना भारत नहीं चल सकता है। मगर जिस तरह से आपने हिंदुओं को ग्रांटेड लेकर उनके खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है, सोनिया जी और राहुल जी, वी रिएटरेट अवर स्टैंड, बोथ ऑफ यू हैव टू अपोलोजाइज टू द हिंदू कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री फॉर हैविंग डिफेम्ड देम ग्लोबली। थैंक यू वेरी मच। नाउ ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू, माई गुड फ्रेंड एंड राज्यसभा एमपी श्री जीवीएल नरसिम्हा राव वुड ऑल्सो ब्रीफ यू। बिल्कुल देंगे आपको। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई लाइक टू टॉक अबाउट अ कपल ऑफ इश्यूज, वन रिलेटिंग टू कर्नाटका एंड अनदर रिलेटिंग टू द कांग्रेस पार्टीज हिपोक्रेसी एंड देयर कंसर्न फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। The first issue is, among the list of candidates that the Congress party has announced for Karnataka state elections, a new connection of the Congress party with Mehul Choksi, one of those businessmen, diamond merchants who defrauded banks. There have been several connections of the Congress party with Mehul Choksi, and yet another connection emerges with the list of Congress candidates. Just to highlight the previous connections that have emerged in public domain, it was in 2013 September, that Rahul Gandhi was involved in some business promotion events of Geetanjali Jewels, which is Mehul Choksi's flagship company. Rahul Gandhi was directly promoting the business venture of Mehul Choksi in his illustrious company. That was in 2013 September. A few days later, in the same month, the Congress party, the Congress government at the center, had sacked a director they had appointed, the government had appointed in Allahabad Bank. The media has covered these stories in great detail. Mr. Dubey, who was removed, who was sacked as a director from the Allahabad Bank because he had highlighted certain lacunae, deficiencies in a 1,550 crore loan that was being offered by the Allahabad Bank to Mehul Choksi's Geetanjali Jewels. A 1,500 crore loan was actually being restructured by the bank. An additional 50 crore also was being given. That was the proposal by the board, and he had stood his ground against that particular proposal. And he was summarily sacked. He was called, and it was a decision taken at the level of finance minister, Mr. P. Chidambaram. So Mr. P. Chidambaram link emerges in practically every big scam, every big political plot hatched with the Congress party. So that was the second link. The third link was Abhishek Manu Singhvi. His property in Mumbai was loaned, was given on a rental, as a rental premises to the Mehul Choksi company, which he said was a normal business transaction. Then he also, his wife rather, Abhishek Manu Singhvi's family, bought jewelry worth over 5 crores in unaccounted cash. So this was not a payment that was made in check. So this was unaccounted payment. We still haven't heard from Mr. Manu Singhvi whether this was a cash payment, unaccounted cash payment that was made to Geetanjali Jewels, or was this entire money given in gratis for the services rendered by the Congress leaders. So today in the list of Congress candidates that was released yesterday or day before,
You have one H.S. Chandra Mauli, whose name emerges as a candidate from the constituency Madikeri. And he was the legal consultant. He was the lawyer for Mehul Choksi in a case that was filed by one Mr. Hari Prasad in Bangalore in a case of cheating, in a criminal complaint that was lodged against him in Bangalore on March 18, 2015. Mr. Hari Prasad filed a criminal complaint, police complaint, and he was a legal consultant to Mr. Mehul Choksi. And incidentally, in that case, the Bangalore police first registered this as a criminal complaint because cheating, section 420, I am sure Congress party knows this section better than anyone else. This is a criminal complaint. But this criminal complaint was subsequently, a few months later, converted into a civil complaint, possibly thanks to the intervention of the Mr. Hari Prasad and Mr. Chandra Mauli and his close contacts in the Congress party. Incidentally, Mr. Chandra Mauli was also legal consultant to Mr. K.J. George, who is an accused in the death of Mr. M.K. Ganapati, Deputy Superintendent of Police, who died in mysterious circumstances. The state government really passed it off as some kind of a suicide. But then this case remains a mystery. The Supreme Court also sought investigations into this case, and Mr. K.J. George also was also a principal accused in this case. So Chandra Mauli, who seems to have strong Congress connections, who was behind saving many a scamster, many an accused in the Congress party, has been rewarded with a legislature MLA nomination, which makes us believe that the Congress ka haath Mehul Choksi ke saath. Congress ka haath Mehul Choksi ke saath, kyunki one incident can be a coincidence. But if you have multiple coincidences in politics, you know it's a conspiracy. So it's a Mehul Choksi was being treated like the third son-in-law by the Congress party. There is one real son-in-law, Robert Wadra. There was a second son-in-law in the name of Mr. Vijay Mallya, who was being given thousands of crores of loans, 11,000 odd crores without really any collateral, and he was able to move the government like Robert Wadra could. So second, and there is today a third Robert Wadra in the name of Mehul Choksi, who seemed to have enjoyed the full patronage, strength, support of Rahul Gandhi, who apparently loves him like he does his real brother-in-law. So there are many people who have been treated like son-in-law in the Congress party. So the Congress party must tell us, is all this pure coincidence? Abhishek Manu Singhvi buying crores of jewelry, Rahul Gandhi promoting Gitanjali jewels, Chidambaram sacking a Allahabad director because he was standing in the way of a 1550 crore loan for Mehul Choksi. So it's high time that the Congress party came out about their Congress connection to Mehul Choksi and their any further dealings that they have beyond what we have already exposed. Now, in the case of Kathua rape, and in which a young girl died, the BJP had shown its sincerity, commitment, and we have, at a political level, the BJP had taken action against its own members. From this very podium, a couple of days ago, the BJP and our senior leader, Prakash Javadekarji, had demanded action by the Congress party against the Jammu and Kashmir Congress chief, Ghulam Ahmed Mir. Because we said you cannot preach something in New Delhi
and practice something else in Jammu and Kashmir. This reeks of hypocrisy. So if you have an iota, a modicum of a decency, a modicum of integrity, we expect you to sack the state chief of the Jammu and Kashmir of the Congress Party forthwith and apologize to the people for these double standards. Similarly, there are many other leaders. Jammu and Kashmir Bar Association Chief, Mr. Salatia, was an election agent of Gulam Nabi Azad, leader of the opposition in Rajya Sabha. There are other Congress leaders like Pankaj Sharma, Romi Sharma, Yokesh Singh. There are many of these local names of Congress leaders who were involved in, who actually tried to protect the accused in this case. And therefore, the Congress party must show its sincerity by acting against all of them, at least now. Otherwise, the Congress will have to face a strong embarrassment. Talking of crimes against women, the Congress's record is extremely appalling and pathetic. In Karnataka, where the Congress has been power in the last 5 years, the Congress's record has been abysmal, to say the least, in matters of law and order and in every other respect as well. But I will talk about crimes against women. In 2016, the National Crime Records Bureau report, which was released a few months ago, had shown how the Congress party has made a very peaceful state, a very peaceful city called Bangalore, into the third most unsafe city for women in the country. Generally, most of the cities in the south, I come from there, are very safe for women. Relatively, they are safer. Karnataka and Bangalore have always been safer. But dubious distinction of Siddaramaiah government is they have reduced this, they have made it a unsafe city for women. Third most unsafe city for women among 18 metropolitan cities in this country, according to 2016 NCRB data. It's available publicly. The crimes against women increased by 28% in 1 year in Bangalore, whereas the increase is normally to the tune of 5%, 6%. This is 28%. Anyone wanting to, they can just look at, there are media reports on this, and there is a report which was published by the Ministry of Home Affairs some time ago. Would Rahul Gandhi now apologize to the people of Karnataka? Would he go and hold a candle march there and sincerely apologize to people of Karnataka for making Bengaluru unsafe for women? Or will he at least stop this hypocrisy of indulging in politics of tokenism and also camera politics, where television cameras exist, you go and hold a protest because you know you will get free publicity? So will Rahul Gandhi only show craving for media coverage and publicity, or would he at least acknowledge that his government in Karnataka, his party, have been completely, they have failed in maintaining law and order and making a peaceful city like Bangalore, converting this into a city which is vulnerable for women? Apart from this, we have seen many other incidents that happened over the last 2-3 years. The media has covered them. I am specifically talking not about any individual incident. Many of them have happened, shocking incidents, on the eve of New Year a couple of years ago, how a Tanzanian woman was harassed and attacked, and how the police in Karnataka have really turned away their attention and allowed crime to happen. And even the police is not safe in Karnataka. M.K. Ganapati himself, a deputy superintendent of police, had died in mysterious circumstances. Many other officers belonging to the central services, IAS and IPS, have died in very mysterious circumstances in the last 5 years in Karnataka.
So, but particularly on this crime against women, we want Rahul Gandhi to apologize to the people of Karnataka, to the people of Bengaluru, and particularly to the women folk who suffered for a complete misgovernance on matters concerning law and order in Karnataka. Thank you. Any questions? देखिए कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है तो हमारे सरकार और हमारे नेतृत्व इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है. हम राजनीति नहीं करते हैं इन मामले में. माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य दो दिन पहले तीन दिन पहले देश सुना है. बेटियों के साथ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये केवल कोई नारा नहीं है. कांग्रेस की तरह हम नारों में विश्वास नहीं करते हैं. हम परिवर्तन की राजनीति करते हैं पूरे विश्वास के साथ करते हैं. देखिए बड़ा दुखद विषय है. बलात्कार से जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता मगर बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को भी धार्मिक ढंग से उसको राजनीतिक पटल पे रखने की जो साजिश हो रही है हिंदू और मुसलमान रेप में करने की कोशिश करना मुझे लगता है यह भी उतना ही जघन्य अपराध है. अगर केरल में इस प्रकार की राजनीति हो रही है तो यह निंदनीय है. और वैसे भी केरल में जिस प्रकार से संघ भाजपा और एक राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत इन संगठनों पर आक्रमण होता रहा है वो हमने देखा है. मुझे लगता है इसमें केरल की सरकार को चिंता व्यक्त करना चाहिए कानून को अपना काम करना चाहिए. See, the law commission is doing its work. We have nothing to comment from here. If you want to ask any question on Mr. Rahul Gandhi's expose today as to how a telegram was sent and how Mr. Rahul Gandhi stands exposed as far as hatred, quote-unquote hatred for Hindus is concerned, you are please welcome. Yes, ma'am. Pardon me. You see, there are media reports, and we believe what is reported in the media, not today, for a long time, that he represented as a legal consultant KJ George, that he represented him in the police complaint by Hari Prasad against Mr. Mehul Choksi. All this is a part of a media record. So conveniently today he might find it inconvenient to accept the fact. But there are so many links of Mehul Choksi with the Karnataka government itself that have emerged. I think I've given you a number of how could this sequence of events. On March 18, 2015, the FIR is filed by Hari Prasad against Mehul Choksi in a police station. An FIR is lodged. But then a local court, a civil court in 2015, has asked Mehul Choksi to deposit his passport along with additional booklets in the police station so that he cannot run away. But the local police chose not to follow that order. And subsequently, on 7 July 2015, the police filed a closure report saying, oh, by mistake, we lodged this complaint as a criminal complaint. This ought to be treated like a civil complaint. So there is complicity of Karnataka government in all these matters. Mehul Choksi was given a clean chit, was given a safe passage, was treated as yet another son-in-law by the Congress party. How could Karnataka government lay their hands on him if Mehul Choksi is a close chum of Rahul Gandhi? If he is promoting his business events, which you don't see Rahul Gandhi doing it every now and then. It's not something that most politicians do. But if Rahul Gandhi was seen at a business promotion event in 2013 September, it tells you a lot
This is not a usual link. This is a very close, very, very close proximity that they enjoy. देखिए हमने बार बार कहा है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के ऊपर किसी प्रकार से राजनीति हो ये उचित नहीं है. राजनीति तो राजनीति, उसके ऊपर आप सांप्रदायिकता के भाव को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. और हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जब किसी विषय का इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो राजनीतिक पार्टियों को उससे दूर रहना चाहिए. किसी प्रकार से भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे सौहार्द बिगड़े. धन्यवाद. देखिए सबसे बड़ी अदालत कोई है तो वो जनता की अदालत है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमेशा जनता की अदालत के समक्ष सच को रखना और पर्दाफाश करना जो षड्यंत्र राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी कर रही है, यह निरंतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी करते रही है. कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने हकीकत रखा, आज भी हम हकीकत रख रहे हैं. हमने बार बार कहा है कि आप हिंदुओं को इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, उनके साथ आप घृणा की राजनीति नहीं कर सकते हैं. हमने कल भी कहा है कि आतंकवाद का कोई रंग हो, आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ने की साजिश यह भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी. एंड वी फर्मली से दैट मिस्टर राहुल गांधीज पैथोलॉजिकल हेट्रेड फॉर हिंदुइज्म इज क्वाइट इन अबंडेंस इन फ्रंट ऑफ अस. वी आर सीइंग दैट विद प्रूफ्स एंड विद वो हम सबूतों के साथ देख रहे हैं, विद एविडेंस. दूसरी बात है सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, आपको क्या लगता है कि ये इनकी जिह्वा, इनकी मात्र जिह्वा बात कर रही थी? मन तो गांधी परिवार का था. याद रखिए कांग्रेस एक ही परिवार की पार्टी है. कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है? इन कांग्रेस इट इज द फैमिली विच इज द पार्टी, वाइल इन बीजेपी इट इज द पार्टी विच इज द फैमिली. तो वहां पर एक परिवार ही पार्टी है, जो वो सोचती है दूसरों की जिह्वा वो बोलती है. तो सुशील कुमार शिंदे और चिदम्बरम जी ने जो बोला वो सोच सोनिया जी और राहुल जी का है. हमने कल भी कहा था कि शर्ट पैंट के ऊपर टेम्पररी जनेऊ धारण कर लेने से आपको जो वोट बैंक की राजनीति आज आप करना चाहते हैं वो हिंदुस्तान की जनता जानती है, जवाब कर्नाटक में मिलेगा. सेतु मैं जवाब देता हूं. आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेटिक प्रणाली है. ब्यूरोक्रेटिक प्रणाली में जब आप गृह सचिव अर्थात होम सेक्रेटरी होते हैं तो यू आर डायरेक्टली अंडर द होम मिनिस्ट्री. कोई भी होम सेक्रेटरी, द वन हु एंजॉयज द गुडविल ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज द होम सेक्रेटरी. उसका कर्तव्य है कि जो भी सोच उस समय की सरकार की होगी आप उसी सोच को आगे बढ़ाएंगे. मैंने यही कहा कि जितने लोग हिंदू आतंकवाद बोल रहे थे या तो कलम का इस्तेमाल से बोल रहे थे या तो जिह्वा से बोल रहे थे, सोच उस समय सरकार की थी और सरकार चला रही थी आदरणीय सोनिया गांधी जी. मनमोहन सिंह जी भी तो प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर थे, सब कुछ तो सोनिया जी का था. राहुल जी और सोनिया जी ने जो जो कहा हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने के लिए, तमाम प्रणाली ने वो काम किया. इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, जो सोच कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार का था वो महत्वपूर्ण है. हो गया. देखिए ये सरकार का विषय है, पार्टी इसमें बिल्कुल कोई दोमत नहीं है कि सख्त से सख्त सजा जो लोग इस प्रकार का जघन्य कांड करे बिल्कुल होना चाहिए. धन्यवाद.